नमस्कार, मैं संध्या सिंह मेरे इस वीडियो में इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो क्रिया योग की जो ये सीरीज मैंने स्टेप बाय स्टेप शुरू करी है क्रमानुसार, उसमें मेरी ये तीसरी वीडियो है। बाकी दोनों वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर शेयर करूँगी। तो जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या सीखा है, बाकी तो अगर इलैबोरेट करूँगी तो वो रिपीटेशन उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जो मेरी पिछली दोनों वीडियो बिल्कुल ध्यान से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। तो जो पिछली डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा और बताया कि किस तरह से हम अपनी सांसों पर ध्यान देना है, किस तरह सांस को वॉच करना है, किस तरह से हम अपनी जो इनर जर्नी है, आंतरिक यात्रा है, अंदर वाली यात्रा, उसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि जो हम सांस के बीच का जो गैप होता है, प्राणों का जो आयाम होता है, जब हम उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो उसी को हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकेजेस वगैरह दूर करने में और गहराई में जाने में। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं, अब हमने जब अपने प्राणों पर ध्यान देना सीख लिया और प्राणायाम पर ध्यान देना सीख लिया, प्राणों के गैप पे यानी सांसों के गैप पर ध्यान देना शुरू कर दिया, सीख लिया, तो अब हम क्या करने वाले हैं। तो अब हमने फिर से अपनी आंखें बंद करी और जैसा मेरे पिछले वीडियो में बताया था, अपने सांस पर ध्यान दिया और अपने सांसों के गैप पर ध्यान दिया। अब हमने जब सांसों के गैप पर ध्यान दिया तो उसके बाद आप कॉन्शियस तरीके से अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसका लास्ट का जो पार्ट होता है वो एक तरह से पूंछ की शेप में होता है। जानवरों में वो पूंछ होती है और हमारी वो लास्ट हड्डी होती है, उसके थोड़ा नीचे और जो आपका गुदा द्वार यानी एनस है, उसके बीच में एक जगह है, उस पर ध्यान देना शुरू करें। अगर ध्यान पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में, तीसरी दफ़ा में, चौथी दफ़ा में नहीं लगता है, कोई बात नहीं। और कभी कभी आप ऐसा पाएंगे कि आपका जो वो है वो लेफ्ट को जाता है, कभी राइट को जाता है, कोई बात नहीं। आप लेफ्ट को जाते हैं तो लेफ्ट को देखते रहिए, वॉच करते रहिए, उस पर ध्यान लगाते रहिए। जब आप वो डिपेंड करता है कि कब, कितने दिनों में, कितने महीने में आपका वो सेंटर में आपका ध्यान लग जाएगा उस पर्टिकुलर जगह में। तो जब वो सेंटर में ध्यान लग जाएगा और बीच बीच में क्या करना, उस पर ध्यान लगाया और उसके बाद हमने सांस के बीच का जो गैप है उस पर ध्यान लगाएंगे, तो वो जो जगह है जहाँ पर आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा है वो बीच में आ जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र। तो हमें मूलाधार चक्र की, जब हमें स्थिति बंद आँखों से हम मूलाधार चक्र की स्थिति को समझ जाएंगे, महसूस कर लेंगे, तो ये हमारा जो है पहला कदम होगा। और धीरे धीरे आपका ये मूलाधार चक्र वही जो पहला जो शुरुआत है वही मुश्किल होती है, पर जब आप उसको अभ्यास कर लेते हैं और कर पाते हैं तो वो मुश्किल नहीं होता, आप फर्दर आगे आसानी से जा सकते हैं। पहले में ही हो सकता है, लेकिन हार मत मानिए, हो सकता है आपको साल भर लग जाए, तो ये मत सोचिए कि अरे 7 साल लगेंगे मुझे 7 चक्र के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पहला जो कठिनाई है वो आगे नहीं होती। जब देखा होगा आपने बच्चा पहले से जब दूसरा कदम चलता है, पहला कदम चलता है, वही मुश्किल होता है, उसके बाद उसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसी तरह से हर चीज़ के साथ, क्रिया योग के साथ भी यही होता है। तो अब आपको ये अभ्यास करना है मूलाधार चक्र पर, जहाँ अटकते हैं तो कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करिए, ज़्यादा स्ट्रगल मत करिए, संघर्ष मत करिए, सिर्फ शांति से उसको ध्यान दीजिए। हाँ, जब आप शांति से उसको ध्यान देंगे तो खुद ब खुद खुल भी जाएगा, बीच में भी हो जाएगा और सही हो जाएगा। शांत रहिए, पीसफुल तरीके से उसको सिर्फ वॉच करते जाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज तक के जितने भी जैसे थर्ड लेसन है,
आपको समझ आ गए होंगे। उसी तरह से मैं आगे आपको पूरे चक्र के बारे में और डिटेल में बताती जाऊंगी। चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी। तो आज्ञा दें, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए आज्ञा।